दोस्तों, यह सुनने में अजीब जरूर लगता है कि क्या किसी एक ही खेल में दो खिलाड़ियों को दो गोल्ड मेडल दिया जा सकता है, मगर यह सच है कि टोक्यो ओलंपिक में 2 अगस्त 2021 का दिन बेहद ही खास रहा है। दरअसल दुनिया के किसी भी एथलीट का सबसे बड़ा सपना ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना होता है। यह खेल में कामयाबी का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। लेकिन कतर के एक एथलीट मुताज एस सबारसिम इससे भी एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने ओलंपिक के साथ साथ मानवता का मेडल और दुनिया भर के खेल प्रेमियों का दिल भी जीत लिया। बारसिम ने ओलंपिक के फाइनल में चोटिल हो गए इटली के एक एथलीट ज्ञान मार्को तांबेरी को भी गोल्ड मेडल दिलवाया। दोस्तों, अब आपके माइंड में यह सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये हुआ कैसे, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, दरअसल बारसिम और तांबेरी टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों के हाई जंप इवेंट में 2.37 मीटर की छलांग लगाई और एक साथ पहले स्थान पर रहे। इसके बाद इवेंट ऑफिशियल ने दोनों को तीन तीन जंप और लगाने को कहा। दोनों में से कोई भी एथलीट इन तीन जंप में 2.37 मीटर के ऊपर नहीं जा सका। जब तीन एक्स्ट्रा जंप करने के बाद भी विजेता का फैसला नहीं हुआ तो ऑफिशियल्स ने उन्हें एक एक बार और जंप करने को कहा, लेकिन तब तक इतालवी एथलीट तांबेरी चोटिल हो चुके थे। पैर की चोट के कारण उन्होंने नाम वापस ले लिया। अब बारसिम के पास मौका था कि वे 72 जंप लगाएं और गोल्ड अपने नाम कर लें। लेकिन इतालवी एथलीट के बाहर होने के बाद बारसिम ने ऑफिशियल्स से पूछा कि अगर वे भी नाम वापस लेते हैं तो क्या होगा। इस पर ऑफिशियल ने रूल बुक चेक की और कहा, अगर आप भी नाम वापस लेते हैं तो हमें आप दोनों को ही गोल्ड मेडल देना होगा। बारसिम ने इसके बाद आखिरी जंप से अपना नाम भी वापस ले लिया और फिर उन्हें और तांबेरी दोनों को ही गोल्ड मेडल दिया गया। बारसिम ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले के बाद कहा, खेल में जितना ही सब कुछ नहीं होता, हमने आने वाली पीढ़ियों को संदेश दिया है कि कैसे खेलना चाहिए, कैसे अपने प्रतिद्वंदियों का भी सम्मान करना चाहिए और जो हकदार हो उसके साथ कामयाबी शेयर करनी चाहिए। तांबेरी ने इस पर खुशी से बारसिम को गले लगा लिया और दोनों ने ओलंपिक स्टेडियम की चक्कर लगाकर अपनी भावनाओं का इजहार किया। तो दोस्तों, आई होप कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।